आज की इस वीडियो में हम सोयाबीन फसल के लिए दो महत्वपूर्ण फंगिसाइड के बारे में बात करेंगे, जिन्हें हम कीटनाशक स्प्रे के साथ पहले या दूसरे डोज में दे सकते हैं। अगर आपकी फसल में शुरुआती अवस्था में फंगस का अटैक दिखाई दे रहा है तो आपको इन फंगिसाइड का उपयोग जरूर करना है, और जिन किसान भाइयों के यहाँ फसल एकदम स्वस्थ है उन्हें फिजूल का खर्च नहीं करना है। अब आपको कौन से फंगिसाइड का उपयोग करना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पहले फंगिसाइड की, तो वो है हेक्साकोनाजोल 5%। और इस फंगिसाइड का उपयोग सोयाबीन किसान 100 में से 50% लोग शुरुआती अवस्था में इसी फंगिसाइड का उपयोग करते हैं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में यह फंगिसाइड सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर हम हेक्साकोनाजोल के बारे में बात करें तो यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कवकनाशी है जो फंगस की कोशिकाओं के विकास को रोककर काम करता है, और इसे ट्राइजोल कवकनाशी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। हेक्साकोनाजोल के डोज के बारे में बात करें तो इसे सोयाबीन की फसल में 300 ml प्रति एकड़ की दर से हमें उपयोग करना चाहिए। इसके खर्च की बात करें तो यह एक बहुत ही सस्ता फंगिसाइड है जो मार्केट में आपको 300 से 400 रुपए प्रति लीटर में मिल जाता है, और उसके 1 लीटर के पैक से 3 एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। प्रति एकड़ इसका खर्च जो है वो 120 से 125 रुपए आता है। अब हम दूसरे फंगिसाइड की बात कर लेते हैं, तो वो है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन। और यह फंगिसाइड सोयाबीन में किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसे फसल की कोई सी भी अवस्था जैसे फूल आने से पहले, फूल बनते समय या कर्रे बनते समय इसका उपयोग कर सकते हैं। इस फंगिसाइड के अंदर 10% टेबुकोनाजोल दिया गया है जो सोयाबीन फसल में तना गलन और पत्ती दबा रोग पर काम करता है, और साथ ही इसके अंदर 63% सल्फर दिया गया है जो सोयाबीन फसल में फफूंद नाशक का तो काम करता ही है बल्कि फसल में तेल की मात्रा को भी बढ़ाएगा, क्योंकि सोयाबीन की फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए हमें सोयाबीन की फसल में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए सल्फर का उपयोग जरूर करना चाहिए। टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आपको मार्केट में कई सारी कंपनियों का मिल जाएगा, जैसे स्वाधीन, जिद्दी, हारू, वैक्सीन। इसके डोज की बात करें तो 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ इसका उपयोग हमें करना है। अगर हम इसके खर्च की बात करें तो प्रति एकड़ खर्च की बात करें तो इसका 1 kg का पैक आपको मार्केट में 550 से 600 रुपए में मिल जाता है, और 3 एकड़ में स्प्रे हो जाता है जिसका प्रति एकड़ खर्च 200 रुपए तक आ जाता है। दोनों फंगिसाइड सोयाबीन फसल के लिए बेस्ट है। दोनों में से आपको जो पसंद आए या आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाए आप उपयोग जरूर करें। जिन किसान भाइयों की फसल में तना गलन, पत्ती दब्बा, रस्ट, जड़ गलन या किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक दिखाई नहीं दे रहा है तो शुरुआती अवस्था में वह फंगिसाइड नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीमारी का एक भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप बताए गए फंगिसाइड का तुरंत स्प्रे करें। और आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जो किसान भाई हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जरूर जुड़े।